हाँ जी, ये बड़ी पुरातन और सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण और उनसे पहले भी। तो जैसे जैसे धर्म का थोड़ा थोड़ा लोप को जाता है, तो परमेश्वर ने बोला कि उनका उत्थान के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होता है। तो हम इस महानुभाव धर्म में पंच कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को, श्री दत्तात्रेय भगवान को, श्री चक्रपाणि भगवान को, श्री गोविंद प्रभु महाराज और श्री चक्रधर स्वामी को। तो आज जो ये पूजा हो रही है, ये पंच अवतारों का हम सभी भक्त जन मिल करके आवाहन करते हैं, क्योंकि हम चतुर्विध साधनों को मानते हैं। चतुर्विध साधनों में स्थान, स्थानों से आप देख रहे हैं वो जो अवशेष पड़े हैं, ये आगे पड़े हैं, ये उन्हीं स्थानों के जो भगवान के चरणांकित हैं उसकी ये मूर्ति बनी हुई है, जिसमें कृपा और माया शक्ति विद्यमान होती है। प्रसाद जो वो डिब्बी है उसमें भगवान का वस्त्र है उनको, और भिक्षुक जो होते हैं, और जैसे और वासनी की सभी। तो चतुर्विध साधन जब मिलकर के पार ब्रह्म परमेश्वर का आवाहन करते हैं, उनको अपनी यथाशक्ति भोग लगाते हैं और परमेश्वर से ये आराधन करते हैं कि प्रभु हमें इस भव सागर से पार करना, क्योंकि ये मोक्ष मार्गियों का धर्म है। हम कुछ भी अपेक्षा प्रभु से नहीं रखते, सिर्फ उनकी कृपा और दया चाहते हैं। तो सभी इसलिए मिलकर उनका आवाहन करते हैं और पंचवतार आते हैं। उनका ये परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि जहाँ मेरे भक्त चतुर्विध साधन एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर वे ज़रूर आते हैं। इससे हम यहाँ पर आगे रंगोली डालते हैं, और अब इसके बाद भगवान के यहाँ पर भोजन के थाल, बीड़ा आपको देखा आपने चढ़ाया कि प्रभु हमें इस भव सागर से पार करना, या हमें कोई बाधा है तो त्रिविध बाधाओं का हरण करने वाले परमेश्वर हैं। तो ये पंच अवतार जय कृष्णी धर्म पंजाब में जय कृष्णी के नाम से प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र में महानुभाव, महान अनुभव, क्योंकि प्रभु का ज्ञान हर बारे में, जीव का ज्ञान, देवताओं का प्रपंच और ईश्वर के ईश्वरीय ज्ञान के लिए, और मुक्ति का मार्ग केवल यही है, ब्रह्म विद्या का मार्ग, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता होता है और भगवद गीता जो उसको मनन करके अपने जीवन पर उतार लेता है, तो जीवन जीते जी मुक्त होकर के अंत को वह मुक्ति को प्राप्त।